बीएनएस का ना सेक्शन 103 बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। एक्चुअली ये 302 की रिप्लेसमेंट है, 302 आईपीसी की रिप्लेसमेंट है 103 ऑफ द बीएनएस। इसके सब सेक्शन 2 में ना मॉब लिंचिंग के ऊपर प्रोविजन डाली गई है। और मॉब लिंचिंग का मतलब यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया गया है कि अगर कोई भी 5 या उससे ज्यादा ग्रुप का पर्सन अगर किसी को मारता है रेस के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, या पर्सनल बिलीफ के नाम पे, या और एनी अदर सिमिलर मैटर अगर उसको मार डालता है, मर्डर करता है उसका, तो वैसे सरकमस्टेंस में उस ग्रुप के सारे मेंबर को ना या तो डेथ सेंटेंस मिलेगा या फिर उम्र कैद मिलेगी। ये एक बहुत ही रेलिवेंट प्रोविजन बीएनएस में डाला हुआ है मॉब लिंचिंग के लिए सेक्शन 103 सब सेक्शन 2 में, जो कि आईपीसी में बिल्कुल नहीं था। तो बहुत दिन से डिमांड हो रही थी कि हाँ मॉब लिंचिंग के ऊपर कानूनों चलिए आ गया मॉब लिंचिंग के ऊपर। बीएनएस का ना सेक्शन 103 बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। एक्चुअली ये 302 की रिप्लेसमेंट है, 302 आईपीसी की रिप्लेसमेंट है 103 ऑफ द बीएनएस। इसके सब सेक्शन 2 में ना मॉब लिंचिंग के ऊपर प्रोविजन डाली गई है। और मॉब लिंचिंग का मतलब यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया गया है कि अगर कोई भी 5 या उससे ज्यादा ग्रुप का पर्सन अगर किसी को मारता है रेस के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, या पर्सनल बिलीफ के नाम पे, या और एनी अदर सिमिलर मैटर अगर उसको मार डालता है, मर्डर करता है उसका, तो वैसे सरकमस्टेंस में उस ग्रुप के सारे मेंबर को ना या तो डेथ सेंटेंस मिलेगा या फिर उम्र कैद मिलेगी। ये एक बहुत ही रेलिवेंट प्रोविजन बीएनएस में डाला हुआ है मॉब लिंचिंग के लिए सेक्शन 103 सब सेक्शन 2 में, जो कि आईपीसी में बिल्कुल नहीं था। तो बहुत दिन से डिमांड हो रही थी कि हाँ मॉब लिंचिंग के ऊपर कानूनों चलिए आ गया मॉब लिंचिंग के ऊपर।